खबर लखनऊ से, जहां पे जेपीएनआईसी का गेट फांद कर अंदर पहुंचे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि अखिलेश के साथ कई एसपी कारकुनान भी मौजूद हैं। जेपीएनआईसी के अंदर पहुंचे जयप्रकाश नारायण की जयंती के मुजस्मे पर चढ़ाने पर फूल। आपको बता दें कि जैर तामीर होने पर जेपीएनआईसी में एलडीए ने लगा रखा है ताला, तो वहीं अखिलेश को नहीं दी थी फूल चढ़ाने की परमिशन। तो अखिलेश देखिए आप किस तरीके से, ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि और कारकुनान भी गेट फांद कर अंदर पहुंच गए। तो जेपीएनआईसी का गेट फांद कर अंदर पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश के साथ कई एसपी कारकुनान भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जेपीएनआईसी के अंदर जयप्रकाश नारायण की जयंती के मुजस्मे पर जो गुलाय अकीदत पेश करने के लिए वो जाना चाहते थे, मगर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जेरे तामीर होने पर जेपीएनआईसी और एलडीए ने लगा रखा है ताला, तो वहीं अखिलेश को फूल चढ़ाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद वो कुछ इस तरीके से जाते हुए नजर आए। तो देखिए गेट फांद कर अखिलेश यादव जाते हुए नजर आए। कानून लाई थी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा वो उस व्यक्ति से वसूला जाएगा, और अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक सड़क खराब बनी थी, जो दोषी थे उससे वसूलने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। आज जो जेपीएनआईसी बर्बाद हो रहा है, समाजवादियों का म्यूजियम बर्बाद हो रहा है, या आपका ये गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी भी भरपाई करनी चाहिए। और जो बुलडोजर लेकर के घूमते हैं, कम से कम उन्हें अपने वेतन से भरपाई करनी चाहिए इसकी। सर आज जो आपका रूप देखने को मिला वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जोश से भर गए थे। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर गेट फांद कर जाने के बाद मीडिया को बयान दिया, जहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ वेतन की बात की बल्कि उस चीज़ की भी बात की कि आखिर जिस तरीके से रूल आप बनाते हैं उसको आप अपने लोगों पर भी लागू कीजिए, अगर कोई नुकसान होता है तो वो आप भी भरिए। तो यहाँ पर आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, गेट फांद कर अंदर पहुँच गए, और आपको बता दें कि अखिलेश के साथ कई कारकुनान भी मौजूद रहे, और जीरे तामीर होने पर जेपीएनआईसी के अंदर उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी थी, एलडीए में ताला लगा रखा था, तो वहीं अखिलेश ने फूल चढ़ाने की परमिशन मांगी, नहीं देने के बाद वो इस तरीके से जाते हुए नजर आए, और उसके बाद उन्होंने वहां पर माला पहनाई फूलों से भरी, और उसके बाद बयान देते हुए अखिलेश यादव नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से गेट फांद कर अखिलेश यादव गए, और अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस पर क्या कुछ बयान देती है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहां इस तरीके से जैर तामीर जगह पर आप गेट फांद कर अगर घुसते हैं तो क्या कुछ बयान यहां पर दिया जाता है। और आपको बता दें कि उनके साथ वो अकेले मौजूद नहीं थे, कई कारकुनान भी उनके साथ इस वक्त मौजूद रहे जब वो दीवार फांद कर उस वक्त जाते हुए नजर आए। अखिलेश यादव जो हैं वो देखिए किस तरीके से दीवार फांद रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे, और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके
पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी, और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे, और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को वो जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहां रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं, जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी बड़ी इमारत है,